अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? जी, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, मेरा आज इवेंट था लाहौर में और मैं अभी वापस आई हूँ, तो सोचा चलिए आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। कैसे हैं आप? जी, काफ़ी लोग ऑनलाइन हैं। और जी, कल मेरा इवेंट था, परसों बहावलपुर और आज लाहौर में, तो अभी मैं काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन बस आप लोगों को मिस किया और सोचा लाइव आके थोड़ी बातचीत की जाए। अच्छा जी, वाजिद सितार, मोहम्मद सलमान, वाजिद सितार, असद अली, मुबीन अकरम, एम जमील, शुक्र है आप भी लाइव कॉल पे आई हैं। जी थैंक यू। मुबीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सैयद अजमल और अरशद अहमद, अरशद जी, मैं लाइव बहुत कम आती हूँ, आप सब जानते हैं कि ये इन दिनों में बहुत इवेंट्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा आप लोगों से बातचीत करने का। इंजमाल, उदास कर दिया है आपने? नहीं, उदास नहीं हो, एक्चुअली बस कुछ मसला था जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ सकती थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं इसी वजह से मैं लाइव नहीं आई, और एक दो इवेंट्स भी मैंने अपने मिस किए थे, फारूक कुरैशी और जनाब जी। मैं अभी इवेंट से वापस आई हूँ, आप देख रहे होंगे अभी मेरा मेकअप भी रिमूव नहीं किया। और लाहौर मेरा शेखपुरा में इवेंट था, अभी करके वापस आई हूँ। आप सब लोग ठीक ठाक हैं? राना इफ्तखार, निशान अहमद और कौन कौन है भाई, फारूक रशी, और कैसी हैं आप? मुबीन अकरम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अब ठीक हूँ, पहले कुछ बीमार हुई हुई थी। महमूद हाशमी, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एम जमील, बहावलपुर में कहाँ कहाँ था शो? मैं भी बहावलपुर का हूँ जी, बहावलपुर मंडी जज़बान से आगे है, उधर की जगह थी, चक था कोई ना, उधर था कोई रेंट, काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और निशान अहमद मलिक, यू आर अ ग्रेट सिंगर एंड अ ग्रेट परफॉर्मर। जी थैंक यू जनाब, इतनी तारीफ, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी लाइव रोज़ सोचती हूँ आऊँ, लेकिन काम इतने, यकीन करें,
ये टाइम नहीं लगता। और आप सुनाइए, सब ठीक है? क्या हो रहा था, क्या कर रहे हैं आप? आप लोगों ने मुझे मिस नहीं किया ना? इनबॉक्स में कोई मैसेज नहीं है, या शायद मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था। लुकिंग ग्रेट राना इफ्तखार अहमद, थैंक यू जनाब। और यकीन करें मैं इतनी थकी हुई हूँ, इतनी थकावट हुई है मुझसे, बात भी नहीं हो रही इस टाइम। फिर भी देख लें आपका प्यार है, सच में आप लोगों को जब मिस करती हूँ ना तो फिर मैं आ जाती हूँ। ये कौन है जी? ये जमील, आपने बताया भी कोई खिदमत का मौका आपको ज़रूर देते, लेकिन अगर मुझे भी पता होता कि मैंने इतनी दूर जाना है, मुझे इतना पता था बहावलपुर जाना है, आगे मंडी जापान और ये चक नंबर 140 में थी मैं। जिशान अहमद मलिक, इट्स अ रियली गुड प्लेस, सम टाइम फॉर यू फ्रेंड्स। नहीं, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते। और मैं एक प्रॉब्लम में थी बस, जिसकी वजह से मैंने शेयर भी नहीं किया आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं परेशान थी और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए बस मैंने सोचा कि मैं परेशानी अपने ऊपर ही ले लूँ, बेहतर है। और अब मैं बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हूँ, बच गई हूँ, बस आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं ज़िंदा हूँ आज, बस इतना काफ़ी है। हमारी सिटी में है, बहुत अफसोस। अच्छा चले, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब बहावलपुर आऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर रब्ता करूँगी, नेट पे बता दूँगी ना। असलम, हैव अ ग्रेट टाइम। और आमिर शहजाद देख रहे हैं, शरत अली भट्ट, दिशान अहमद। खैरियत, ऐसा क्यों हो गया? बस नहीं बता सकती, छोड़ें। बहरहाल जो भी हुआ उसमें बस अल्लाह ताला ने करम कर दिया बस। मियाँ जमील, अब आप जी, मैं अब आ गई हूँ लाहौर, और लाहौर में मेरा आज इवेंट था, इवेंट से अभी वापस आई हूँ, और आप देख रहे होंगे अभी मेरे फेस पे मेकअप भी लगा हुआ है, जितना रिमूव हुआ वो रास्ते में सफ़र था ना तो हो गया। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन जी। थैंक यू। बस मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, जिसकी वजह से काफ़ी चोटें आई हैं, अभी ये कुछ हो गया ठीक, कुछ होगा आस्ता आस्ता। और उस एक्सीडेंट के बाद में वो डर गई थी, मैंने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि आपको पता है फिर वो काफ़ी लोगों के फ़ोन, और उस टाइम मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी की भी कॉल लाइव ले सकती, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी दिन मैं लाइव नहीं आई, और मैंने अपने इवेंट वगैरह भी नहीं किए। अब अल्लाह का शुक्र है बस बचत हो गई, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी है। आप लोगों की दुआएं थी ना, आप लोगों की दुआओं की वजह से, यकीन करें आज मैं आपके सामने लाई हूँ, शायद फिर आप कभी भी ना मुझे देखते, अगर मैं मर जाती या मुझे कुछ हो जाता तो। अल्लाह मालिक है, बस अल्लाह पाक करम कर गया बस। देखा ना, अब आप लोगों को अफसोस हो रहा है,
इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाहती थी कि आप लोगों को मैं परेशान क्यों करूं। श्रीमान देव क्या करती हैं आप? मैं सिंगर हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? कहती मैं लाइव कॉल नहीं लेती, आपको बहुत अच्छी तरह पता है शिजा साहब, मैं लाइव कॉल नहीं लेती। आपसे लाइव कॉल बात करूंगी, फिर और लोगों से भी करनी पड़ेगी। कहती मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ यार, बहुत जख्मी हुई थी, बहुत जख्मी थी, मुझसे गाना भूल गया, मुझे सब भूल गया। उस टाइम मुझे अपनी पड़ी हुई थी, मेरा सब सामान भी चोरी हो गया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, गरीब हो गई उस टाइम में। यकीन करें बहुत बुरा टाइम था, मैं याद करती मुझे और टेंशन हो जाती है। आई डोंट नो अबाउट यू, आसिफ पाशा और कौन है सलमान अभी? गुड टू नो अबाउट यू, ये अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब थोड़ा थोड़ा सर में थोड़ा तकलीफ है बस, वो सही है, बाकी ऐसे ऐसे आराम आ जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि ये एक्सीडेंट के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हारी, मैं काम कर रही हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने बचा दिया बस, का मतलब कि मैं ठीक हूँ, अल्लाह खैर करे। थैंक यू। बस आप लोगों की मैं बता रही हूँ कि बस दुआ है जो इंसान को मौत के मुंह से भी निकाल देती है, बस दुआओं की दुआओं की वजह और दुआओं का नतीजा कि आपके सामने हूँ। अल्लाह सेहत दे जी, बिल्कुल अल्लाह ने सेहत दे दी है, बस चोटें आस्ता आस्ता आराम आ जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा सही होने में। वैसे वो जो ज़्यादा चोटें नज़र आ रही थी ना यहाँ, ये सारा ये ख़त्म हो गया। सलमान अली, अच्छा आप मुल्तान से दीजिए, तो मुल्तान से गुजर के हम लोग आगे गए हैं, मुल्तान साहिबाल फिर आगे वो क्या कहते हैं ये सारे स्टेशन। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं शुक्र अल्लाह का, ये तो मेरे मुंह पे थकावट सी है क्योंकि मैं 2 दिन, आपको पता भावलपुर का सफ़र 8-9 घंटे का हो गया। हाँ मेरी शक्ल से बहुत अपसेट लग रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हुई हुई थी ना, इतनी मेडिसिन ली है। चलें अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि मुझसे बाकी बात नहीं हो रही, मैं बाकी बात आपसे कल करूँगी, आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह हाफिज़। जी मैं ज़रूर, मैं आपका नंबर आप मुझे इनबॉक्स में डाल देना, मैं जब भी आई ना, बल्कि हमें तो उधर डीजे वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हम आपसे रब्ता करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा मुझसे बात नहीं हो रही ज़्यादा, क्योंकि मैं शो पे काफ़ी गा के आई हूँ और बहावलपुर भी 2 दिन का इवेंट था, उधर भी बहुत थकावट हुई है, सुबह से सफ़र में हूँ, 2 दिन का सफ़र किया है, सफ़र से आते फिर शो पे चली गई हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट मिला, अभी आऊँगी, अभी सो जाऊँगी क्योंकि कल मेरे घर पर मिलाद है और मुझे महफिल के लिए तैयारी भी करनी है। अगर आप लोग फर्स्ट आए हो तो आप भी आइएगा, बहरहाल कल जब मैं मिलाद में बैठूंगी आप सब लोगों से बात भी करूंगी और आपके लिए दुआ भी करूंगी। ठीक है, आप लिए मेरे लिए दुआ करें, मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ हमेशा की तरह। आप मरियम अली को आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।